दांतों की सड़न और मसूरों के दर्द के छह घरेलू उपाय एक नमक पानी धुलाई गरम नमक वाले पानी से गरारा करने से मसूरों का दर्द कम हो सकता है और सूजन को कम कर सकता है यह मुंह की सफाई बनाए रखने में मदद करता है दो लौंग का तेल लौंग के तेल में प्राकृतिक दर्दनाशक और प्रतिजीवी गुण होते हैं आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्र पर थोड़ी मात्रा में पतले लौंग के तेल का प्रयोग करने से दांतों और मसूड़ों के दर्द में अस्थाई राहत मिल सकती है तीन लहसुन लहसुन में प्राकृतिक प्रतिजीवी गुण होते हैं जो मुंह की संक्रमणों का सामना करने में मदद कर सकते हैं आप लहसुन को कुचलकर नमक के साथ मिलाकर इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगा सकते हैं चार हल्दी का पेस्ट हल्दी में करकिन कौशल होता है जिसमें दर्दनाशक और प्रतिजीवी गुण होते हैं हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से राहत मिल सकती है पांच ग्रीन टी बिना शक्कर की ग्रीन टी मुंह की स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है क्योंकि इसके एंटीक्सीडेंट और एंटी सूजन गुण होते हैं यह मसूड़ों में सूजन को कम करने और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकती है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में शांतिदायक गुण होते हैं जो मसूड़ों के दर्द से राहत प्रदान कर सकते हैं प्रभावित क्षेत्र पर थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक एलोवेरा जेल लगाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद